दोस्तों 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन करने के बाद आईसीएम के जो जीएम है श्री बीजी माल्या जी, उनके द्वारा काफी बड़ा दो घोषणा करी गई है। और यहाँ पर श्री बीजी माल्या ने बताया है कि आईसीएम के पास अभी दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कौन है ये दो बड़े प्रोजेक्ट, इनके बारे में पूरा डिटेल बीजी माल्या ने बताई है। और दोस्तों ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट है ये आपको लगभग एक महीने बाद ही देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। और इसकी पूरी जानकारी श्री बीजी माल्या ने दी है जिसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं जल्दी से आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों आईसीएम में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो श्री बीजी माल्या द्वारा ही सामने आ पाती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महीनों बाद श्री बीजी माल्या ने काफी बड़ी दो जानकारी सामने रखी है। और दोस्तों भारतीय रेलवे के जितने भी यात्री हैं पूरे देश में उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने रखी है। अब दोस्तों नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन फराटा भरने वाली है। और ऐसे में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कोच फैक्ट्री है। और यहाँ पर दोस्तों आईसीएफ के जीएम श्री बीजी माल्या ने मीडिया से बताया कि आईसीएफ जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का जो रेक है उसको तैयार कर देगी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लहराने के बाद जनरल मैनेजर श्री बीजी माल्या ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईसीएफ के पास अभी फिलहाल दो बड़े प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों वंदे मेट्रो, जो की पूरी तरह से एयर कंडीशन इंटरसिटी ट्रेन सर्विस होगी। आईसीएफ चेन्नई इसी साल मार्च तक वंदे मेट्रो का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको तैयार करने का प्लान बना चुका है। दोस्तों बीजी माल्या ने इस वंदे भारत प्रोजेक्ट को लेकर अपनी तरफ से जो अधिक जानकारी है उसको सामने रखा है। और श्री बीजी माल्या ने कहा कि हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का रैक मुहैया कराना है। दोस्तों हमारी जम्मू कश्मीर वाली जो वंदे भारत है उसका रैक को ऐसे डिजाइन किया जाएगा जिसको जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से बदला जा सकता है। वहीं दोस्तों श्री बीजी माल्या ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये जो रेक है जम्मू कश्मीर वाला उसको बहुत जल्दी ही आईसीएफ के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने दोस्तों ये भी बताया कि यह सही है कि सप्लाई के मोर्चे पर हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसके बावजूद पिछले साल आईसीएफ ने 50वीं वंदे भारत का जो रेक है वहां तक पहुंच गया है और इसे एक बड़ी उपलब्धि भी माना गया है आईसीएफ चेन्नई के लिए। वहीं दोस्तों बीजी माल्या ने आगे कहा कि अमृत भारत यानी कि पुष्पल ट्रेन पिछले साल अक्टूबर में सीएलडब्ल्यू के सहयोग से शुरू की गई, जो आम लोगों के लिए यात्रा के लिहाज से किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। यह ट्रेन दोस्तों यात्रियों को तुलनात्मक रूप से कहीं बेहतर सुविधा मुहैया कराती है। और अभी तक दोस्तों हमारे देश में दो अमृत भारत की शुरुआत भी हो चुकी है, पहली दरभंगा से आनंद विहार और दूसरी मालदा टाउन से बेंगलोर के बीच में अभी अपना सर्विस भी दे रही है। और दोस्तों हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको यात्रियों का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और यही वजह है कि इस वित्तीय वर्ष के लास्ट में आपको अमृत भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग फिर से देखने को मिलेगी। मतलब दोस्तों अभी जनवरी का महीना एंड होने को है और बस फरवरी महीने का इंतजार करना होगा, उसके बाद मार्च में आपको वंदे मेट्रो का जो पहला प्रोटोटाइप है उसका दीदार करने का मौका मिल जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी जम्मू कश्मीर वाली स्पेशली डिजाइन्ड जो वंदे भारत है इसकी भी तैयारी आईसीएफ चेन्नई में शुरू है। और जाहिर सी बात है कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का काम अपने अंतिम चरण में है। और ऐसे में दोस्तों इस पर वंदे भारत की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले साल ही करी है। ऐसे में दोस्तों आईसीएफ चेन्नई में भी इस स्पेशल वंदे भारत को तैयार करने का जो काम है वो तेजी से जारी है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो स्लीपर वंदे भारत है उसका भी काम आईसीएफ और बीईएमएल के सहयोग से चालू है। बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में जो गाड़ी है हमारी स्लीपर वंदे भारत ये काफी तेज रफ्तार से तैयार हो रही है और हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है वो भी आपको मार्च मिड तक देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर यानी कि दोनों ये वंदे के जो वर्जन्स हैं इनका पहला प्रोटोटाइप आपको मार्च मिड तक देखने को मिल जाएगा। और ये जानकारी मैं नहीं आईसीएफ के जीएम श्री बीजी माल्या ने खुद दी है। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि हमारी जो स्पेशली डिजाइन्ड वंदे भारत है जिसको यूएसबीआरएल पर चलाने का प्लान है, इसके चलने से कश्मीर में टूरिज्म को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूएसबीआरएल वाला ये जो पूरा सेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रोमांचक है। इस रूट पर सफर करने के लिए ही सैलानियों का ताता लगा रहेगा। ऐसे में दोस्तों कश्मीर की जो वादियां है, कश्मीर की जो खूबसूरती है, इसका दीदार करने से पहले यूएसबीआरएल पर जर्नी करने के लिए टूरिस्ट बेताब रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों रेलवे का तो फायदा होगा ही, साथ ही कश्मीर में टूरिज्म को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट है आईसीएफ के पास इनको तैयार करने के लिए आईसीएफ चेन्नई अभी काफी ज्यादा सीरियस है। सबसे पहले तो कश्मीर वाली वंदे भारत को तैयार किया जाएगा और इसका भी काम काफी तेजी से शुरू होने वाला है। इसके बाद वंदे मेट्रो का जो काम है वो भी आईसीएफ चेन्नई में चालू है और
मार्च तक हमें वंदे मेट्रो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कम दूरी यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनको प्रीमियम फील देने वाली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो बड़ी घोषणा हुई है आईसीएफ के जीएम श्री बीजी मालिया द्वारा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और दोस्तों आगे ऐसा कोई भी अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलता हूँ जल्दी मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।